डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में केंद्रीय विद्यालय नागौर के विद्यार्थियों का परिचयात्मक भ्रमण करवाया गया। पीएम श्री योजना के अंतर्गत चुने गए सभी केंद्रीय विद्यालयों का शहर के विभिन्न शैक्षणिक एवं अनुसंधान केंद्रों पर ज्ञानार्जन के लिए भ्रमण करवाया जाना प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय में दो दिन तक करीब 300 विद्यार्थी शैक्षणिक भ्रमण कर चुके हैं। योग एवं नेचुरोपैथी के प्रभारी डॉक्टर चंद्रभान शर्मा ने छात्र छात्राओं को स्वस्थ रहने, एकाग्रता व सरस्वती बढ़ाने के लिए किए जाने वाले आसन जैसे त्रिकोणासन, शलभासन, वृक्षासन, स्वर्गासन तथा प्राणायाम जैसे भस्त्रिकी का व भ्रामरी के बारे में जानकारी दी। विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय परिसर स्थित ग्राउंड में सामूहिक सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाया। भ्रमण के दौरान आयुर्वेद से संबंधित विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। इन छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय परिसर स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद होम्योपैथी महाविद्यालय एवं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय के शैक्षणिक विभागों के बारे में डॉक्टर सौरभ अग्रवाल और डॉक्टर अवधेश ने महत्वपूर्ण जानकारी दी तथा बताया कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात आयुष चिकित्सक बनने के लिए BAMS, BHSMS, BNYS में नीट परीक्षा उत्तीर्ण छात्र छात्राएं प्रवेश ले सकते हैं।